क्या हुआ? तुमने देखा? इतनी नफरत क्यों करते? क्यों मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया और चले गए? कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखी, बोले तो मेरी परवाह भी नहीं है मैं जिंदा हूं या मर गया। मुझे आज तक लगता था मैं अनाथ हूं, लेकिन नहीं, मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे माँ बाबा जिंदा है, सिर्फ मुझे छोड़ के चले। क्यों? क्या है मेरा कसूर? क्यों मुझे जीते जी अनाथ बना के चले गए? क्या कसूर है मेरा? तरकुश के बच्चे, तुझे दिखता नहीं क्या? तूने मेरा चौका रोका, तेरी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। माफ कर दो? अबे इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं दिखती तुझको? दिखेगी भी कैसे? अबे क्रिकेट है ये, इसके बाप ने भी कभी नहीं खेला होगा। देख दत्तो, बाप पे मत चल। अच्छा, बड़ा बुरा लग रहा है बाप के नाम पे। भाई कोई बाप का नाम नहीं है उसी पागल बाप के लिए जो तुझे पैदा करते ही छोड़ के चला गया। देख दत्त, चुप हो जा वरना मैं हेडमास्टर को बता दूंगा। मास्टर जी से बोलेगा? जा।
बता दे रहा हूँ। जानता है हमारे बाबा कौन है? इस पूरे इलाके के थानेदार हैं। उनसे ये पूरा गांव डरता है। तेरे हेडमास्टर जी भी। जा, जा बोल करा। क्या हुआ? तुम दबा के भाग रहा है? अपने बाप की तरह? हैं? वैसे इसकी माँ भी कम नहीं थी। बस वो क्या लगता? बहुत, बहुत तो तब हुआ था जब पूरे गांव वालों ने तेरी माँ को पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया था। तुझे पता नहीं? बेचारा। इसको कैसे पता होगा? अनाथ। नवारिश। गुस्सा आ रहा है? आंसू, आंसू, आंसू बह रहे हैं। रो क्या जरा? डरो, 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 डरो। अनाथ? क्या? अरे, क्या हुआ? बेचारा नाथ है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। देखिए आपका जो बेटा कर कुछ बोल, क्यों मारा तूने उसको? बोल। मैंने इसे नहीं मारा। अच्छा, तो क्या मैंने अपना सर खुद पोड़ लिया? हा? बाबा मैं बोल रहा हूँ, इसने मुझे मारा है। इसने मुझे छुआ तो मैं हवा में उड़ गया। इसे तो मार का भी असर नहीं होता। उड़ गई किस्मत हमारी, बस यही बाकी रह गया था। लेकिन चाची मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। बाबा झूठ बोल रहा है ये। मैं जैसे ही इसको बैट से मारने गया, मेरा बैट इसको टच भी नहीं हुआ। अरे पर ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ए जी, अब क्या खड़े रहोगे चुपचाप? झूठ बोल रहा है ये, पूछो ना। एक मिनट भगवान, अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। बेटा बैठ देना। जी जी। आप लोग पीछे हटिए। बस करो। इसे माफ कर। अगर ये अपनी माँ जैसा होता तो देखो आप, इसको ब्लड नहीं आता। देखो। चलो जी, मान लिया कि ये अपनी माँ जैसा नहीं है, लेकिन गलती तो इसने की है ना, तो इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर, एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता है। चल मांग माफी सबसे, चल। मैं माफी मांगता हूँ। चला बेटा। I'm sorry. मुझे माफ कर दो। माफी मांग के आज तूने अपने आप को बचा लिया। आइंदा मेरे बेटे को टच भी किया ना, तो सीधे हवालात में डाल दो। समझा? आओ जी, चलिए। हाँ भाई, इस बार तो तू बच गया, मगर याद रख, तुझे भी तेरी माँ की तरह इस गांव से दफा नहीं कराया ना, तो मेरा नाम भी दत्तू नहीं। समझा? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि बबूल के पेड़ पर आम नहीं हो सकता। दिखा दिया ना अपने माँ के गुण। माँ के गुण? अरे ऐसा क्या राज है मेरे माँ के बारे में जो मेरे अलावा सबको पता है? ऐसा ऐसा क्या हुआ था जो मेरे बाप को गांव से निकाल दिया, पत्थरों से मारा? क्यों चाची? उसकी अपनी हरकतों की वजह से। ये नहीं हो सकता, सच नहीं है ये, झूठ है ये। ओहो, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? हाँ, मेरे ही घर में रहेगा। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे बस भी करो। क्यों बस करूँ? एक तो तुम्हारे भाई ने ऐसी औरत से शादी की, जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाया तो वो खुद पगला गया। इस मुसीबत को मेरे मथे मर गया। इसे वक्त निकाल यहाँ से।
ये ठीक नहीं हुआ। अब इस कयामत को कौन रोकेगा? याद है इसकी माँ ने क्या कहा था? इसकी माँ ने कहा था कि जिस दिन इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा उसके बाद इसे रोकना नामुमकिन होगा। ये चांद आखिर धरती के इतने करीब आया कैसे? हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा, नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जल्द एक काम करो, मौसम विभाग को फोन करो और उनसे पूछो कि ये हो क्यों रहा है। सब क्या हो रहा है माँ? क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है ये सब? क्यों माँ? सोने का है? सोना? आई ना? चल निकल। नहीं दे दे बच्चा, क्या करेगा तू लेके? देख इधर, दे दूंगा अंदर सब समझ में आ जाएगा। दे। नहीं ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है। हा? मैं नहीं दूंगा। अच्छा माँ की निशानी है? कैसी लगी बेटा निशानी? हाँ बस कोस्टल एरिया इस आंधी तूफान से प्रभावित है, लेकिन इसमें एक बात बहुत अजीब है, वो है इसका केंद्र। आम तौर पर इस तरह के तूफान समुद्र से पैदा होकर जमीन की ओर जाते हैं, लेकिन इस बार ये तूफान जमीन से पैदा होकर समुद्र की तरफ जा रहा है और इसका केंद्र है मुंबई के पास का ये गांव कसरी। कसरी गांव? चवंत, कसरी गांव वही है ना जहां अपना नोनू रहता है? करेक्ट। अलगोटी के कौन? हेलो हेलो सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कोई लेडी आपसे अर्जेंट में बात करना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है इस बदले हुए मौसम के बारे में। कनेक्ट करो। यस सर। सर ये बताइए कि कसरी गांव में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तूफान पैदा हो रहा है? इस गांव में अचानक हैवी प्रेशर से वेक्टर फील्ड क्रिएट हो गया, उसी का ये प्रभाव है। ओह माय गॉड। साहब जी, ये आंधी तूफान इस बवंडर के पीछे मेरे जिठानी के बेटे कहाँ थे? आपका भतीजा? हाँ, आप लोग जल्दी से आकर मेरे भतीजे को पकड़ लीजिए वरना वो सब कुछ खत्म कर देगा। सरकुश नाम है उसका, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। साहब जी जल्दी आ जाइए। ठीक है शांत हो जाइए, आप हमें ये बताइए कि आप बोल कहाँ से रहे? कसरी गांव से बोल रही हूँ। कसरी? ठीक है आप लोग वहीं पे रुकिए, हम लोग अभी आते हैं। अनवीर, हम लोग कसरी पहुंच चुके हैं,
ये तार कुछ भी यहीं कहीं होना चाहिए। बेटा ये तरकुश कहाँ रहता है? बेटा आपसे बात कर रहे हैं, तरकुश कहाँ रहता है? बेटा आपसे पूछ रहे हैं, तरकुश कहाँ रहता है? मैं ही तरकुश। रुको, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो नहीं तो समझ नहीं आ रहा कि लड़का क्लाइमेट कैसे कंट्रोल कर सकता है। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन एक नादान बच्चे के हाथ में इतनी बड़ी पावर आना बहुत खतरनाक हो सकता है। ओह माय गॉड, भाई साहब माफ कीजिएगा। उठिए 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 प्लीज, उठिए उठिए उठिए। आप ठीक तो है ना? आप ठीक है? श्योर? ही इज ब्रीदिंग। लेकिन आप वहां कहां जा रहे थे? वहां मौसम बहुत खतरनाक है। उसी मौसम का इलाज करने जा रहा हूं मैं। वो तारकुश, तारकुश को रोकने जा रहा हूं मैं। तारकुश? तारकुश के लिए आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? और वो तारकुश आपकी क्यों सुनेगा? मेरा बेटा है वो। बेटा है मेरा। बेटा? तारकुश, आपका बेटा है? आप आइए आइए। तो तारकुश को ये शक्तियां उसकी माँ से मिली? जी। क्या ये सच है कि आपकी पत्नी सुनिधि जादू डालती थी? झूठ, गलत कहते हैं सब। मेरी सुनिधि ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो तो इस दुनिया की नहीं थी, दूसरी दुनिया से आई थी वो। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कि पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। पहली बार हम लोग तालाब के पास मिले थे। आप अक्सर यहाँ आती हैं? मैं भी अक्सर यहाँ आता हूँ, लेकिन आप कभी दिखी नहीं। पता नहीं, मैं तो यहाँ बहुत आती हूँ। फिर हम रोज मिलने लगे, रोज। मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत बहुत प्यार। उसे शादी करना चाहता था, वो भी चाहती थी। इसलिए उसने मुझे अपने सबसे बड़ा राज बताया, सबसे बड़ा राज। कैसा राज? सुनिधि रानी प्रकृति की बेटी है, रानी प्रकृति की, जिस कुदरत के छोटे से छोटे और बड़े ऐसे बड़ा फैसला करती है, जो इस संसार की सारी शक्तियों का केंद्र है। रानी प्रकृति की इस धरती के बीचों बीच अपनी एक अलग दुनिया है। रानी प्रकृति हमारी शादी के खिलाफ थी और मेरी माँ को भी शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन हमने इन सब की इच्छा के खिलाफ शादी कर ली। जा रहा था। सुनिधि का राज मैंने अपनी माँ से छुपाए रखा और सुनिधि को भी कहा
कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी ना करें, फिर जल्दी हमें एक एक, एक, एक सुंदर सा बेटा हुआ।